नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ और आज हम पहुंचे हैं टोहाना बस स्टैंड पर। उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो पेपर देना चाहते हैं का पेपर है, और उनके लिए टोहाना बस स्टैंड से स्पेशल बस जाएगी चंडीगढ़ के लिए। बहुत बड़ी खुशखबरी है, स्पेशल बस टोहाना जो बस स्टैंड के प्रबंधक हैं, संस्थान प्रबंधक हैं, उन्होंने बड़ी जानकारी उन छात्रों के लिए दी है जो पेपर दे के आना चाहते हैं। कल सुबह 4 बजे यहां से बस रवाना होगी और उनको उनके सेंटर तक लेके जाएगी। पूरी जानकारी हम प्रबंधक से लेंगे और आपको पूरी जानकारी दिलवाएंगे। वही बस आपको लेके जाएगी और उसी बस के द्वारा आपको वापस टोहाना बस स्टैंड पर लाकर छोड़ा जाएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ी पहल मैं कहूँगा। टोहाना बस स्टैंड जो प्रबंधक है, संस्थान प्रबंधक है विनोद कुमार जी, उनकी बहुत बड़ी पहल है। उन छात्रों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। इसी टोहाना बस स्टैंड से उनके लिए स्पेशल बस जाएगी। विनोद कुमार से पूरी जानकारी लेते हैं तो क्या क्या सुविधाएं उन्हें दी जाएंगी। तो आइए संस्थान प्रबंधक विनोद कुमार से। विनोद कुमार, बस स्टैंड पे किस पद पे हो? मैं संस्थान प्रबंधक हूँ टोहाना में। ऐसे सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे यहाँ आए, स्वागत है आपका। और दूसरी बात ये, जो बस की बात थी अभी थोड़ी देर पहले, हमें पता लगा था कि भाई पंजाब पुलिस का पेपर है 2 दिन लगातार, संडे और मंडे 2 दिन। उसको देखते हुए कुछ बच्चों की डिमांड आई थी, 2-4 बच्चे बोले जी हमारे को बस की सुविधा नहीं है, पटियाला पेपर है। तो पटियाला के लिए अभी थोड़ी देर पहले यहाँ महाप्रबंधक महोदय भी आए हुए थे, उनसे बातचीत हुई, भाई ऐसे ऐसे करके पेपर है जी, तो उन्होंने कहा है कि भाई आप एक बार बस भेजो। तो छात्रों की सुविधा को देखते हुए सुबह 4 बजे यहाँ से जो मॉर्निंग शिफ्ट है पेपर जिन बच्चों का, उनके लिए सुबह 4 बजे बस की सुविधा दी जाएगी यहाँ से। एक दोपहर सुबह मॉर्निंग में 8:30 बजे और एक दोपहर के बाद वाला पेपर जो इवनिंग शिफ्ट होता है उसके लिए 11 बजे बस की सुविधा यहाँ से की गई है। और कोशिश हमारी ये है कि उन्हीं बच्चों को वापस लेके आए ताकि उनको आने की भी सुविधा मिल जाए। लेकिन जाने के लिए सबसे मेहनत मेरा पहला जरूरी तो यही होता है कि भाई हम पेपर में पहुँच जाएँ, जैसे मर्जी पहुँच जाए। हर एक बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि भाई मैं पेपर में पहुँच जाऊँ, कैसे न कैसे सारे जीवन की तैयारी की होती है बच्चों ने। उस हिसाब को देखते हुए सर, समय समय पर हम बसें उपलब्ध कराते रहे। पूर्व में भी हरियाणा पुलिस का पेपर था, तब बसें हमने 3 बजे यहाँ से निकाली थी, जिनका पटियाला चंडीगढ़ की साइड पेपर था या करनाल पानीपत था, वहाँ पे भी हमने दी थी। सीटी में भी आप लोगों ने देखा ही, हरियाणा रोडवेज सदैव तत्पर रही, अभ्यर्थियों के लिए हो या आम पब्लिक के लिए हो, बुजुर्ग हो जवान हो, उनके लिए। उसी कड़ी में जी कल जाखल भी बस की ट्रेन कोई मिस हो गई थी, तो वहाँ से स्टैंड इंचार्ज जाखल का फ़ोन आया था कि भाई यहाँ सवारियाँ हैं जी और आप आपदा को देखते हुए बस की व्यवस्था करें। तो मैंने वहाँ अपने यहाँ लोकल सरपंच वगैरह से कांटेक्ट करके रास्ते का पता किया। रास्ता यहाँ से जैसे मान लो विलेजेस से होकर जा रहा था, जैसे रैणवाड़ी, कुदनी, मेहंद कला, ऐसे करके हमने एक बस भेजी जो सीधी सवारी, लगभग 70 सवारी हमें इसहार की कल मिली थी, हमने स्पेशल बस वहाँ पर भी दे दी थी जी। तो लोगों की सुविधा के लिए तत्पर है हरियाणा रोडवेज, जो तत्पर रहेगा मैं ऐसी आशा करता हूँ विभाग से भी और आप लोगों से भी, भाई आपका सहयोग हमें समय समय पर मिलता रहे, हमारे आपके माध्यम से लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचती रहे, बच्चों को या अभ्यर्थियों को बुजुर्ग को सुविधा मिलती रहे। तो ये जो है सर, जो विभाग द्वारा निर्धारित है पर किलोमीटर के हिसाब से, उसी के अनुसार किराया वसूल किया जाएगा जी, और ऐसा कुछ नहीं है भाई विभाग की तरफ से हो। ये तो एक यहाँ का एज ए संस्थान प्रबंधक होते हुए, यहाँ से लोकल सुविधा की देखते हुए, लोगों की सुविधा को देखते हुए, तब स्पेशल बस सिर्फ स्पेशल बस है।